आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के जो ज्यादातर क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेली के हम फोर फोर क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी। क्वेश्चंस को आप नोट कर लिया करो और साथ साथ में इनकी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अगर रिपीटेड क्वेश्चन होंगे तो रिपीट भी हम करेंगे, अगर सेम क्वेश्चन अगर और क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम करते चलेंगे, ठीक है। जो 5 मार्क्स में किस किस चैप्टर से आते हैं वही मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एजेस। सबसे पहले देखो, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, यानी कि यहां पर दिया है कि रेसिप्रोकल का मतलब हो उल्टा, ठीक है, रहमान की एज का उल्टा सम कर दो उनके रेसिप्रोकल्स का। अगर 3 ईयर एगो 3 साल पहले जो है उसकी एज जो थी जितनी भी होगी हम उसको निकाल लेंगे, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ उसकी एज जो है वो 1/3 है, तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो देखो क्या करेंगे, यहां पे लेट कर लेंगे सबसे पहले हम, लेट प्रेजेंट एज एज ऑफ रहमान, ठीक है, रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर्स हमने मान ली। अब 3 ईयर्स एगो, यहां लिखेंगे 3 ईयर्स एगो एज ऑफ रहमान, 3 साल पहले रहमान की एज कितनी थी, तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस 3 कर देंगे, ठीक है, ईयर्स। अब 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम एगो सॉरी फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान, तो यहां पर क्या करेंगे एक्स प्लस 5 कर देंगे ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनकी एज का रेसिप्रोकल कर देंगे सम, ठीक है, इनकी एज का जो सम है वो रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर यहां पर 1/3, यहां पर एक्स माइनस 3 तो यहां के लिख देंगे 1/x-3 और प्लस करवा देंगे इसको 1/x+5 के साथ, और यहां पर आपके पास जो रेशियो दी है वो 1/3 गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पे, इसका तो ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम कितना आया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रहा कितना x प्लस 5 यहां पर आ जाएगा, प्लस यहां पर x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। अब यहां क्या करो, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर कितना है x प्लस 5 प्लस x और यहां पर कितना हो जाएगा माइनस 3 डिवाइड में x माइनस, अच्छा यहां पर क्या करो मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर और प्लस 5x, 3x माइनस का 3x और माइनस का ही यहां पे 3 5 15 आ जाएगा, ठीक है, 1/3 क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहां पर कितना आ जाएगा x प्लस एक्स 2x और ये 5 माइनस 3 2 प्लस का 2 डिवाइड में यहां पर देख लो एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3। अब क्या करो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहां पर आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 2 इक्वल टू, और यहां चला जाएगा सारा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही रहेगा, यहां पर कितना आ गया 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि जो 6x प्लस 6 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 0, ठीक है, तो कितना आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 और ये वहां जाके माइनस का 6x और माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू यहां पर एक्स स्क्वेयर तो रहेगा, ठीक है, और 5x माइनस 3x माइनस 6x, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 2 बचेगा, यहां से 2 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4x आ जाएगा, इसको इसको और इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस प्लस कर लेना आपके पास 4x आएगा, और
यहां पर कितना है 6 और ये 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन निशान माइनस करेगा, और 15 प्लस 6 21। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, इसको आप अब चाहो तो घुमा के लिख सकते हो, यानी कि इसे लिख सकते हो आप एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या निकाल लो, फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो फैक्टर कैसे निकलेंगे, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब फैक्टर आपने सीखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो 21 है 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 21। अब यहां पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 7x रखेंगे प्लस 3x रखेंगे और ये माइनस 21 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया देखो, x यहां से क्या करो, ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, तो x को कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा x माइनस 7, ठीक है। अब जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर लिख दो, x माइनस 7, और बीच में क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का 3। अब 0 साथ में आएगा इक्वल टू 0। तो अब देखो यहां से x प्लस 3 एक वैल्यू आ गई, ठीक है, और x माइनस 7 एक वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। तो यहां से देख सकते हो जब हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखते हैं और x माइनस 7 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो इसके बाद यहां पर देख लो, तो x प्लस 3 रखा हमने, तो यहां से देखो क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3, ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 7। हमें निकालना है प्रेजेंट एज, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी नेगलेक्ट क्योंकि माइनस में है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, जो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान है वो आ गई 7। यहां लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपको एक्सरसाइज 4.3 से, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि कोई पतंग है वो 60 मीटर की हाइट में उड़ रहा है अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइट, और हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग जो है, जो काइट के साथ जो स्ट्रिंग लगी होगी उसको हम टेम्परेली टाइट कर देंगे, ठीक है। टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो इंक्लिनेशन है वो कितना दिया हुआ है ग्राउंड स्ट्रिंग का विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री देके रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें निकालना क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि उसमें कोई भी झुकाव ना हो। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले तो डायग्राम को समझो। यहां पर बोला गया है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर, ये हमने कोई काइट बना ली, ठीक है, जिसकी हाइट के ग्राउंड लेवल से 60 मीटर जा रही है, तो ये हो गया 60 मीटर आपके पास जो पतंग उड़ रही है ना, ठीक है। पतंग मान लो आपके पास यहां पे है, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है। अब यहां पर और क्या बोला गया है कि जो इसका जो स्लैक है ना, यानी कि यहां पर बोल सकते हैं तो इंक्लिनेशन है एंगल, जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 60 डिग्री है, तो आप ये ग्राउंड आ गया और ये एंगल आ गया 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का यहां पे एंगल आ गया, इतना क्लियर है। अब देखो स्लैक का मतलब जो यहां पर स्लैक आ रहा है, यानी कि पतंग तो इस तरह से उड़ती है ना, तो वहां पर क्या होता है धागा हमारा इस तरह से आता है, तो हमने टेम्परेली उसको टाइट किया हुआ, ठीक है, टेम्परेली उसको टाइट करने के लिए सीधा दिखा दिया। अब इसको नाम दे दो आप, यहां से दे दो आप ए बी और ये सी नाम दे दिया, ठीक है। अब मेन काम क्या है, हाइट आपके पास गिवन है, हमें निकालना क्या है इस धागे की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, अब एक चीज देखो यहां पे हमें पता है कि परपेंडिकुलर, यहां पर लिखते हैं पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, तो साइन कोस और ये टेन आता है, साइन कोस टेन। अब यहां पर क्या है परपेंडिकुलर गिवन है और हमें निकालना क्या है ये हाइपोटन्यूज, ठीक है, तो पी अपॉन एच यानी कि साइन थीटा, यहां लिख देंगे हम साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, और पी हमारे पास क्या है ए बी है, विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ये कितना है ए सी, ठीक है। अब साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको रखेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी हमारे पास 60 है और ए सी कितना है ए सी, ठीक है, ये हमें निकालना है, क्लियर बात।
अब देखो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है, देखो तो टेबल है उसको याद कर लेना, साइन 60 हमारे पास होता है 3/√3/2, और यहाँ पर कितना है 60/AC। ठीक है, अब करना क्या है हमें, यहां से क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो AC√3 आ जाएगा, AC√3 क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई की, AC√3 इक्वल टू यहां पर 2 × 60, यानी कि कितना आ गया यहां पे, आ गया आपके पास AC√3 इक्वल टू 120। ठीक है, अब AC को अकेला छोड़ दो, 120 डिवाइड में √3 कर दो। अब √3 को हम अकेला नीचे नहीं छोड़ते, इसलिए हम क्या करेंगे, √3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, √3 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया ये AC आपके पास आ गया, AC इक्वल टू, देखो सारा रफ काम था ये वाला लेकिन डायग्राम बनाना जरूरी है, तो AC कितना आ गया यहाँ से, √3, और √3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 3। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया 120√3, और डिवाइड में कितना आ गया इसको मल्टीप्लाई करके 3। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो, तो ये बन जाएगा 3 × 4 = 12, 40 आ गया, यानी कि AC कितना आ गया आपके पास, 40√3 मीटर। ठीक है, मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर लिखना जरूरी है। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना आ गया, इक्वल टू 40√3 मीटर आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपको 9 चैप्टर से है, ठीक है, 9.1 से ये क्वेश्चन था। ठीक है, कौन से चैप्टर से, 9.1 से ये क्वेश्चन था आपको आया हुआ। देखो मैं क्वेश्चन वही सॉल्व करवा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है, जिसमें हमें प्रूव करना होता है क्या, थ्योरम्स ये होती हैं, जो 6 चैप्टर की थ्योरम्स हैं वो हम अलग से एक वीडियो बना करके उसमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो 4-5 थ्योरम है उनको अलग से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी हम जो मेन जो क्वेश्चन है, 4-4 क्वेश्चन डेली के किए करेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन अब लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल शेप हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप कंटेनर, जिसकी जो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, उसमें क्या आइसक्रीम भरी है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कोन्स, और जो आइसक्रीम है वो कोन्स में फिल की गई है एट द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी, कोन की 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन चीजों को ध्यान से देखना है, हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप, और एक हेमिस्फेरिकल शेप जो उसके ऊपर टॉप पे है, ऑन द टॉप फाइंड नंबर ऑफ सच कॉन्स कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम, यानी कि ये बताओ कि कितने कॉन्स जो हैं वो आइसक्रीम के फुल हो सकते हैं उस पूरे कंटेनर से। ठीक है, तो सिंपल पहले हम डायग्राम देखेंगे, उसके बाद जो है इसमें जो जो आएगा उसको देखते चलेंगे। सबसे पहले क्या बात की है इसमें कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो हम सिलेंडर ड्रॉ कर लेंगे, ये हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हमने ले लिया। ठीक है, चलो जी ये सिलेंडर आ गया, अब सिलेंडर की आपके पास जो है हाइट दी है वो गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हाइट इसकी दी है, 15 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है, डायमीटर दिया है इसका आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोन की हाइट दी है, देखो कोन, ये आपके पास कोन होंगे, मान लो कुछ कोन ले लिया हमने, ठीक है, ये कोन आ गया, इसका एक कोन ले लिया, दूसरा ले लेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ कोन्स कितने फिल होंगे। अब कोन की जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर है इसका 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसके ऊपर बोला गया कि एक हेमिस्फेयर भी है, तो हेमिस्फेयर भी रखा होता है, जो आइसक्रीम डालते हैं ना वो इस शेप में डलती है, ठीक है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, वो हेमिस्फेरिकल शेप में है। ठीक है, अब इसका और इसका जो डायमीटर है दोनों का बराबर होगा, तो यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता, हाइट लिख देंगे हम, हाइट ऑफ
कंटेनर, ठीक है, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर ऑफ कंटेनर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन वो कितनी है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ कोन वो कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस निकल जाएगा किस किस का, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमी स्फीयर एट टॉप, दोनों का रेडियस कितना होगा, सेम होगा, तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है, यानी कि यहां लिख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर कितना है, पाई आर स्क्वेयर एच होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो रेडियस है उसको कैपिटल में ले लेंगे, ठीक है, आर स्क्वेयर एच, ठीक है, और साथ में एच भी कैपिटल ले लो, क्योंकि बड़ी चीज है तो बड़ी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो जो वैल्यू है उसको लिख देंगे, पाई को आप पाई रखो, ठीक है, पाई, और रेडियस कितना है इसका, रेडियस है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है, पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 15, तो ये कितना आ गया, पाई इंटू 36 इंटू 15, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 15 और 36 को, तो आ जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक काम हो गया। अब निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ इस वन कोन का, तो यहां लिखो वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है इसका 3, तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू में 3 लिख देंगे, ठीक है, 3 इंटू में 3 इंटू हाइट है इसकी 12, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो कितना आएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर भी ना क्यूब आएगा, सॉरी यहाँ पर ना मैंने स्क्वायर लिख दिया, क्यूब आएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की बात है, और यहाँ पर भी क्यूब आएगा। अब निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ इसका, ये जो हेमीस्फेयर बचा, तो वॉल्यूम ऑफ वन हेमी स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ वन हेमीस्फेयर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इन फॉर्मूलाज की मैं अलग से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू पाई, और आर कितना है 3, इंटू 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, ठीक है, कितना आ गया, 3 3 9, 9 2 18, तो ये आ गया आपके पास 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तीनों निकल गए। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी कंटेनर इस तरह के क्वेश्चन आए आइसक्रीम बॉटल्स वगैरह के, तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, यहां लिख देंगे आइसक्रीम कोन्स, उसके लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू नंबर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बिग कंटेनर, ठीक है, जो बड़ा कंटेनर था यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में, और डिवाइड करवा देंगे वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। अब देखो ये जो आइसक्रीम कोन है इसमें दो चीजें ऐड होंगी, एक तो कोन का ऐड हो जाएगा और साथ साथ हेमिस्फेयर भी इसमें ऐड होगा। देखो कैसे, नंबर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है 540 पाई, और डिवाइड में कितना आ गया 36, और ये 18 दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 36 पाई प्लस 18 पाई कितना बन गया 540 पाई, डिवाइड में इन दोनों को प्लस करोगे तो 54 पाई आएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 54 को 10 से कर दो, तो 10 से कटने के बाद कितना आ गया ये 540, 10 से कट गया, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 10 कोन्स, ठीक है, तो टोटल 10 कोन्स
कैन बी फील्ड। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था और 5 मार्क्स में आया था। ठीक है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज आई थी 13.3 से। ठीक है, याद रखना एक्सरसाइज 13.3 से ही आपको क्वेश्चन था। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी। ठीक है, ये तो आपको देखना इतना जरूरी नहीं है। यहां पर देखो डेली एक्सपेंडिचर दिया है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिए, आपके पास गिवन है टेबल और निकालना क्या है, फाइंड द मीन। ठीक है, मीन निकालना है तो सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो सिंपल है, इसको आप चाहो तो क्लास इंटरवल लिख सकते हो, यहां लिख दो क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल क्या क्या गिवन है, 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से है 250, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है, अब क्लास इंटरवल के बाद जो हमारे पास ये गिवन है, ये सारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफ आई, क्या बोलते हैं एफ आई, तो एफ आई क्या है, 4, 5, 12, 2, 2। अब यहां से निकाल लेंगे हम एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई कैसे निकलता है, देखो एक्स आई निकालने का एक तरीका है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 250 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 125। अब दूसरी बात याद रखो, यहां पर देखो गैप कितने का, 50 का है। ठीक है, 50 का गैप है तो यहां अगले में 50 प्लस कर दो, यानी कि ये आ जाएगा 175। अब इसके साथ 50 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 225। अब प्लस कर देंगे 50 तो आ जाएगा 275 और इसमें भी हम 50 प्लस कर देंगे तो 325 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या करो, एफ आई निकाल लो, समीशन का साइन है ये, एफ आई इक्वल टू इन सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, गिवन है 25 तो इसको लिख दो आप डायरेक्ट 25। ठीक है, एक्स आई निकालने के बाद देखो एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है कि एफ आई इंटू एक्स आई कर लो। ठीक है, उससे भी निकल जाएगा लेकिन यहां पर कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, तो उसके लिए क्या करो आप, अब यहां से क्या निकाल लो, यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा ए। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यू आई। ठीक है, अब जो यू आई निकलता है उसका फॉर्मूला है यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपोन में एच। ठीक है, एक्स आई माइनस ए अपोन एच। अब एच हमारा क्या है, देखो एच जो है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है तो वो कितना है, 50। ठीक है, 50 हमारा एच होगा, लेकिन इसको एक सबसे अच्छा तरीका है निकालने का, देखो ये कितना है, ए निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो ए निकालने के लिए क्या करो, इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने हैं, 5 है, तो 5 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, अब 2.5 तो यहां दिख नहीं रहा, तो 2.5 से यानी कि 2.5 से अगले वाला कितना होगा, 3, तो 1, 2 और ये 3, ये तीसरा नंबर क्या बन गया हमारा, इक्वल टू ए। ठीक है, अब यू आई है तो डायरेक्ट इसके आगे जब भी हम लिखेंगे तो उसको हम 0 लिख देंगे। ठीक है, इससे ऊपर लिख देंगे -1, इससे ऊपर लिख देंगे -2, यहां नीचे 1 और ये 2, और देखो जितने भी क्वेश्चन करोगे इसी तरह से करना, 0 सेंटर में, ऊपर -1, -2, -3, -4 जो भी जाएगा उसको लेते चलेंगे, और नीचे की तरफ को 1, 2, 3, 4 जो भी आएगा उसको हम लिख देंगे, ये चीज हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में सेम रहेगी। अब निकाल लेंगे यहां से क्या, एफ आई यू आई, क्या निकाल लेंगे, एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखो एफ आई यू आई मतलब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करता हूं, तो 4 2 -8। ठीक है, यहां से 5 1 5 यानी कि -5, ये 0 आ गया, 2 1 2 और 2 2 4। नेक्स्ट काम क्या है, इन दोनों को क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, निशान माइनस का आएगा। ठीक है, कितना बन गया, 8 और 5 13 यानी कि 13 आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब यहां निकालना क्या है, समीशन एफ आई यू आई निकाल दो, तो -13 रखो प्लस 6 रखो, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा है, और 13 में से 6 चला जाएगा तो कितना रहेगा, -7। ठीक है, कितना आ गया, -7 आ गया। अब जो जो यहां पर गिवन है, ठीक है,
अब देखो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मीन निकालने का. मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड में समीशन एफ आई इंटू में एच. इस फॉर्मूला को याद रखना ठीक है. इस फॉर्मूले से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे, ए हमारे पास क्या है, अभी निकाला हमने ए 225 ठीक है, इसको लिख दो. उसके बाद समीशन एफ आई यू आई हमने निकाला कितना आया, माइनस का 7. फिर समीशन एफ आई भी हमने निकाल दिया है 25 है, और एच भी हमने निकाल दिया कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 50 ठीक है. वैल्यूज पुट करेंगे, ए हमारे पास है 225 प्लस समीशन एफ आई यू आई, यानी कि इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में लेंगे, -7 डिवाइड में 25, और मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास, ये 50, यानी कि एच यहाँ पे आएगा ठीक है. अब देखो यहाँ करना क्या है, हमें सिंपल कैलकुलेशन करेंगे ठीक है, और क्वेश्चन हमारा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या करो, 25 को क्या कर दो 2 से ठीक है, तो 7 2 कितना हो गया 14, कितना हो गया. मेन काम में एक बात याद रखना कि ये चीज हमेशा अलग ही सोल्व करना ठीक है, इसके साथ मत जोड़ना, इस चीज को अलग ही सोल्व करना, तभी ये क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप इसको भी एक साथ ले चलोगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा ठीक है. इसे अब क्या करेंगे, 225 रखेंगे यहाँ पे, और प्लस यहाँ पर 7 2 14, माइनस का 14 आ गया, एक काम खत्म. अब एक्स बार इक्वल टू 225, अब इसको माइनस कर दो ठीक है, तो माइनस करने पे कितना आएगा, एक्स बार इक्वल टू यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1 और ये 2, यानी कि एक्स बार मीन कितना आ गया 211 ठीक है, 211 आंसर. तो इस वीडियो में इतना ही, अगले क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके. अब देखो ये जो क्वेश्चन आया था, ये आया था आपको एक्सरसाइज 14.1 से ठीक है, एक्सरसाइज 14.1 से ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो इसी तरह से चैप्टर को याद कर लो कि कौन सा क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का कहाँ से आता है. और एक बात और कि जो जितनी भी थ्योरम्स हैं ठीक है, थ्योरम्स जो हैं वो 6 चैप्टर की हैं, उनको हम बाद में अलग से वीडियो में कर लेंगे ठीक है. तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.